नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पीलीभीत से बेटे वरुण गांधी के टिकट कटने से नाराज मेनका गांधी जो हैं, वो कहा जा रहा है कि वो नाराज ही नहीं है, उन्होंने भाजपा का फैसला स्वीकार कर लिया है। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि वो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर न तो हैरान हुई और ना ही नाराज हुई। इस बार भाजपा ने उनके बेटे और तीन बार के सांसद वरुण गांधी का टिकट की जगह पीलीभीत से यूपी के मंत्री जितेंद्र प्रसाद को टिकट दे दिया है। मेनका गांधी ने कहा है कि वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। तीन दशक से पीलीभीत सीट मेनका गांधी और वरुण गांधी के पास रही है। इस बार जितिन को टिकट देकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने भी जा रहे हैं। जी हां, 9 अप्रैल यानी कि मंगलवार को पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली है। किसी भी तरह निगेटिव बातों और विरोध आदमी को खत्म करने के लिए पीएम लोगों से वोट मांगेंगे। उधर मेनका गांधी ने कहा है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहां पर हर कोई फैसले का पालन करता है। प्रधानमंत्री मंगलवार को पीलीभीत में भाजपा उम्मीदवार और यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि जुमंड राजकीय इंजीनियर कॉलेज पीलीभीत में 9 अप्रैल को रैली की तैयारियां हो रही है। मीडिया ने जब वरुण के बारे में मेनका गांधी से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि वरुण पर मुझे बहुत नाज है, क्या भविष्य में दूसरी पार्टी में जाने की उनकी योजना है। इस सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि आप उनसे पूछिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं बीजेपी में हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं भाजपा में हूँ। वरुण गांधी पहले से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। टिकट कटने के बाद उन्होंने पीलीभीत के लोगों को संबोधित करते हुए एक भावुक पत्र भी लिखा था। पत्र में उनकी आखिरी पंक्तियां थी, मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीति गुणा भाग से ऊपर है। मैं आपका था और आपका रहूंगा। बाकी जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट कटा है उस पर आप क्या कहेंगे बताइए। धन्यवाद।